अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट पब्लिक लाहौरी। दोस्तों आज मैं आपसे यहाँ पे बात करने वाला हूँ कुछ लेटेस्ट स्मार्टफोन्स के बारे में जो पिछले कोई 15-20 दिन या इस मंथ के अंदर पाकिस्तान की मार्केट्स में आए हैं, और आपके काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे जी फ़लां फ़ोन कैसा है। तो मैंने सोचा मैं वीडियो बना दूँ ताकि आपको मैं बता पाऊँ कि ये जो लेटेस्ट फ़ोन आए हैं इनके बारे में मेरा क्या ओपिनियन है, और क्या आपको इनमें से कौन सा फ़ोन बाय करना है और कौन सा फ़ोन बाय नहीं करना। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मुझे देखना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जाले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। कोई भी क्वेश्चन हो #बबुलहोरी लगा के इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले यहां पे बात करते हैं सैमसंग ब्रांड की तरफ से कुछ डिवाइसेज आई हैं रिसेंटली और आपके काफी क्वेश्चन आ रहे थे। मैं आपसे यहां पे बात कर रहा हूं गैलेक्सी A12 की। अब ये रिसेंटली है, दो वेरियंट है, 29,000 रुपए के ऊपर 4/64 वाला और 33,000 रुपए के ऊपर 4/128 वाला वेरियंट। प्राइस स्ट्रेटेजी समझ से बाहर है मेरे, तो भाई आपकी समझ में आती है तो बता देना मुझे। आज के टाइम पे 2021 के अंदर 720p डिस्प्ले दिया जा रहा है, हीलियो P35 का चिपसेट दिया जा रहा है 33,000 रुपए के ऊपर, और EMMC स्टोरेज दी जा रही है आपको, जहां पे UFS स्टोरेज के ट्रेंड चल चुके हैं, हायर रिफ्रेश रेट आ रहा है इस प्राइस रेंज के अंदर। आपको इन्फिनिक्स के 08i के अंदर मिल जाएगा 90Hz का, या दूसरे जो ना दूसरे ब्रांड की प्राइस स्ट्रेटेजी कंपैरेटिवली सैमसंग से अच्छी है। अब इसके 48MP का हमने चार्ट डालना जब इसकी परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं मिलनी। अब इसे जो पीछे वाला वेरियंट था, अब इसका प्रीडिसेसर गैलेक्सी A11, वो 26,000 रुपए के ऊपर 6 महीने पहले आया था। मैंने उसी टाइम पर आपको बताया था नहीं चलेगा, ओवर प्राइस्ड है, 3 प्राइस कट उसको लगे। अब वो 19,000 रुपए के ऊपर है, अब उसकी प्राइस ठीक है। इसके साथ भी कुछ ऐसा ही यहाँ पे ना सिचुएशन होने वाली है, जहाँ पे देखें एक पुराने स्टाइल का डिस्प्ले है वी शेप वाला, आजकल के दौर पे पंच होल चल रहा है, हाई रिफ्रेश रेट चल रहा है, EMMC स्टोरेज की जगह UFS चल रही है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इससे बेटर तो आप गैलेक्सी M21 की तरफ जा सकते हैं अगर वो 30,000 की रेंज के अंदर मिलता है, या फिर गैलेक्सी A31 की तरफ चले जाएं यार, उसके अंदर भी एटलीस्ट आपको सुपर एमोलेड पैनल मिलता है, वो भी कुछ 34,000 रुपये के ऊपर मिल जाता है आपको आफ्टर डिस्काउंट। ये जो गैलेक्सी A12 है ना, इसके आपको दोनों वेरियंट्स अच्छी वैल्यू नहीं दे सकते, इन माई ओपिनियन आपको इन दोनों को स्किप कर देना चाहिए। दूसरी डिवाइस जो अभी लॉन्च होने वाली है आपको कुछ ही दिनों के अंदर देखने को मिल जाएगी, और वो है गैलेक्सी A02S। अब गैलेक्सी A02S है ना, इसकी जो वेरिएंट आएगा ना 3/32 वाला एक्सपेक्टेड है। फीचर्स ये स्लाइड के अंदर मैंने सारे इसके मेंशन कर दिए हैं, आप देखिए। जो गैलेक्सी A01S था ना, या A01 था, मेरे ख्याल से S नहीं था वो वाला, वो 17,500 रुपये की रेंज के अंदर आया था। अब ये जो फ़ोन है 3/32 कॉम्बिनेशन के साथ स्नैपड्रैगन 450 का चिपसेट होगा, एक काफ़ी आउटडेटेड चिपसेट है ये वाला। उसके अलावा यहाँ पे 720p के पिक्सल्स होंगे, चलिए यहाँ पे HD+ रेजोल्यूशन है ना, अगर ये डिवाइस 20,000 रुपये के नीचे कहीं पे लाता है तो डिस्प्ले का इशू नहीं है यहाँ पे। लेकिन आजकल के टाइम पे अगर आप कंपटीशन देखते हैं ना, तो 4/64 का कॉम्बिनेशन चल रहा है 20,000 रुपये की रेंज के अंदर, और हीलियो G70 जैसी स्ट्रॉन्ग चिपसेट चल रही हैं, तो वहाँ पे ये स्नैपड्रैगन 450 चिपसेट क्या करेगी, 3/32 कॉम्बिनेशन क्या करेगा। ठीक है, देखते हैं इसकी प्राइस क्या निकल के आती है, फिर मैं आपको फर्दर अपडेट कर दूंगा। अगर तो इसकी प्राइस कोई 15-16,000 रुपये के अराउंड कहीं पर रखी जाती है तो फिर तो समझ में आएगा, लेकिन अगर इसकी प्राइस को 20-22 के ऊपर भी चली गई तो ये भी नॉट रिकमेंडेड ही समझिए मेरी तरफ से एडवांस के अंदर, आपको इस डिवाइस को फिर स्किप कर देना चाहिए। और अब जरा यहाँ पे बात करते हैं प्रीमियम मिड रेंज के अंदर आने वाले पहले 5G फोन के बारे में। आई नो आपको बेटर आइडिया होगा अगर मैं किस फोन की बात कर रहा हूँ, और वो फोन है शाओमी MI 10T लाइट 5G। जी हाँ दोस्तों, एक शाओमी ब्रांड ऐसा है जो 20,000 रुपये के अंदर, जिसकी काफ़ी अग्रेसिव प्राइस स्ट्रेटेजी रही, और इसके ऊपर मैं काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ शाओमी को, बड़े अपने फैंस को इन्होंने भर भर के अच्छी अच्छी डिवाइसेज दी। अब ये जो डिवाइस है ना, इसकी प्राइस आई है 50,000 रुपये। अब इस डिवाइस का मैं रिव्यू करना चाह रहा हूँ, मेरे पास डिवाइस ऑलमोस्ट आने वाली है, और मेरे रिव्यू का वेट कर लें, उसके बाद मैं आपको कुछ जो है ना क्लियर एक पिक्चर दूंगा इस डिवाइस के बारे में, बिकॉज नो डाउट डिवाइस की लुक अच्छी बनाई है, बिल्ड को प्रीमियम कर दिया गया है, चिपसेट को इम्प्रूव कर दिया गया है, लेकिन जो 5G वाला है ना, यहाँ पे वो सिर्फ एक कार्ड खेला गया, बिकॉज सारी जो चीज़ें हैं ना मैं आपको अपने रिव्यू के अंदर बताऊंगा, तो उसका वेट कर लीजिएगा। सारे कैमरा सैंपल हर चीज़ उसके अंदर होगी, और मेरा कंप्लीट वर्डिक्ट होगा उसके ऊपर MI ये जो 10T लाइट है इस फोन को लेके। तो उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब वो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं वीवो के एक फोन की जो रिसेंटली है, और आपके काफी क्वेश्चन आ रहे थे कि इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या सीन निकलेगा। मैं आपसे यहाँ पे बात कर रहा हूँ वीवो Y20S की। अब ये 30,000 रुपये वाला फोन है, अभी इसकी जो प्राइस आई है 128GB वाला स्टोरेज का वेरियंट है। इससे पहले वीवो Y20 जो 26,000 रुपये के ऊपर चल रहा ना, सेम वही फीचर है, सिर्फ स्टोरेज 128GB कर दी गया, उसके अंदर 64GB स्टोरेज है। अब देखिए उसके मुकाबले में भी मैंने आपको ओप्पो A53 को रिकमेंड किया था, उसका रीजन क्या था, डिस्प्ले का डिजाइन लेटेस्ट था, पंच होल वाला ओप्पो A53 के अंदर, UFS स्टोरेज मिलती थी, फ्रंट सेल्फी आपको बेटर देखने को मिल जाती थी उसके अंदर, तो ये कुछ चीज़ें थी उसकी जगह पे। लेकिन फिर भी वीवो Y20 की जो सेल्स हैं वो अच्छी जा रही हैं, अच्छी बात है, चलना चाहिए, लेकिन अगर मेरा ओपिनियन जाना
लगाना चाहते हैं तो वीवो वाई ट्वेंटी भी मैंने आपको रिकमेंड नहीं किया था। ये जो वाई ट्वेंटी एस है ना, सिर्फ एक स्टोरेज की वजह से इसकी प्राइस 30,000 रुपये है। चिपसेट स्टिल वीक है स्नैपड्रैगन 460 की। अगर आप नॉर्मल डे टू डे रूटीन के अंदर भी कंटिन्यू यूज़ करते हैं ना, तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम जो है ना देखने को मिलेगी, एक स्मूथ परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। गेमिंग करना तो बड़ी दूर की बात है, नॉर्मल गेमिंग जो है ना उसके अंदर भी प्रॉब्लम आएंगे आपको, तो ये एक चीज़ है। उसके अलावा यहाँ पे देखा जाए ना, मैं याद करता हूँ वीवो का 2019 के अंदर वीवो S1 आया था, 3032 के अंदर आपको मिल जाता था आफ्टर डिस्काउंट। यार मज़े का फ़ोन था, एमोलेड पैनल, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 720p के रेजोल्यूशन, IPS पैनल, मतलब कि आगे को जाने के बजाय स्ट्रेटेजीज बैकवर्ड जा रही हैं पीछे को, तो ये मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल समअप करूं तो वीवो Y20s 30,000 रुपए की प्राइस पॉइंट के ऊपर मुझे नहीं लगता कि अच्छी वैल्यू आपको दे सकता है, आपको इसको स्किप कर देना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं एक धमाकेदार फ़ोन की, और ये जो धमाका है ना ये मैं Xiaomi से एक्सपेक्ट कर सकता था कि वही कर सकती है। और वो फ़ोन जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो है Xiaomi Mi 10T। अब आप सबको पता है 70,000 रुपए के ऊपर यहाँ पे स्नैपड्रैगन 865 चिपसेट को लगा दिया, और क्या चाहिए। यहाँ पे जो IPS पैनल है ठीक है, लेकिन वो हाई रिफ्रेश रेट वाला पैनल है 144 हर्ट्ज का। अब देखिए आपके अगर क्वेश्चन आता ना स्ट्रेट मेरी तरफ के एमोलेड पैनल 60 हर्ट्ज का या 90 हर्ट्ज का IPS LCD पैनल, तो मैं वहाँ पे एमोलेड पैनल की तरफ जाऊँगा। लेकिन अगर 60 हर्ट्ज का एमोलेड पैनल होगा और 144 हर्ट्ज का IPS LCD पैनल होगा ना, तो मैं तो यहाँ पे थोड़े बहुत कंप्रोमाइज़ करके हाई रिफ्रेश रेट की वजह से IPS पैनल को सिलेक्ट करूँगा। तो ये पैनल वाला यहाँ पे कोई ऐसा डाउनसाइड नहीं है, ज़बरदस्त है हर चीज़, बिल्ड बड़ी प्रीमियम है, कैमरास बड़े मजे के हैं, 8K रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है, बैटरी बड़ी है, UFS 3.1 की स्टोरेज है, और अब इसका 6GB वाला वेरिएंट भी आ चुका है 63,000 रुपए की प्राइस पॉइंट के ऊपर। मतलब यार स्नैपड्रैगन 865 है ना, इसकी इंपोर्टेंस आपको पता है, क्या परफॉर्मेंस है यार, जबरदस्त किस्म की, हाईली रिकमेंडेड फोन है, आंखें बंद करके ले लें, एक सॉलिड वैल्यू आपको मिलेगी। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही है तो इसको लाइक जरूर करें, और अगर आपको लग रहा है कि ये जो लेटेस्ट फोन जितने भी आए हैं मैं सारे रॉन्ग कही जा रहा हूं, हर एक को कही जा रहा हूं कि नॉट रिकमेंडेड, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, बिकॉज मैं हर प्राइस कैटेगरी के अंदर जो बेस्ट फोन्स हैं उनकी वीडियोस को अपडेट करने वाला हूं, ताकि वो वीडियो जब आए आपसे वो वीडियोस मिस ना हो। और आपने अगर एक फोन बाय करना है तो आप अपने लिए एक अच्छा फोन बाय करें। उसके बाद यहां पे बात करते हैं रियलमी की तरह से कुछ फोन आए थे, मतलब फोन ही आया था, और आप में से काफी दोस्तों को पता है उसका क्या करना है। वैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं Realme 7i की, तो पता है ना आपको क्या करना है इसका, कमेंट्स में मुझे बता देना। बहरहाल ये इसके फीचर हैं, रियलमी के फैंस काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं इस फ़ोन को स्पेशली देख के, 40,000 के ऊपर ओवर प्राइज है। जब मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की थी, इवेल्यूएशन करने के बाद मैंने आपको बताया था कि अगर 30,000 रुपये इसकी प्राइस आए ना तो एक अच्छा प्राइस टैग हो सकता है, अगर 32,000 रुपये तक भी गई ना तो एक्सेप्टेबल हो जाएगी रियलमी फैंस के ऊपर। लेकिन प्राइस 40,000 रुपये आके सब खत्म कर दिया रियलमी ने अपने फैंस के लिए, यहाँ पे सारी जो गेम है ना वो मिलियामिट कर दी। अब रियलमी के फैंस देखें काफ़ी डिसअपॉइंटेड है, जहां पर Realme 6 जैसी उनको इतनी अच्छी डिवाइस मिली, इतनी स्ट्रॉन्ग चिपसेट के साथ वो डिवाइस ने ना काफी डोमिनेट करके रखा और जब तक वो चली। लेकिन ये डिवाइस है उसका कैसे रिप्लेस कर सकते हैं उस डिवाइस को, इसके फीचर देखें, 720p डिस्प्ले है 90 हर्ट्ज का, यहां पे ठीक है आपने 90 हर्ट्ज लगा दिया लेकिन डिस्प्ले रेजोल्यूशन 720p है, ऊपर से IPS LCD पैनल है, ठीक है इसके कैमरास अच्छे हैं लेकिन प्राइस रेंज को जस्टिफाई नहीं करती। एक वीक चिपसेट आपने लगा दिया स्नैपड्रैगन 662 का, जहां पे आप Helio G90T जैसा एक स्ट्रॉन्ग चिपसेट दे रहे थे, तो क्या प्राइस स्ट्रेटेजी है यहाँ पे Realme 7i को लेके, मेरी तो टोटली समझ से बाहर है। तो यही वजह थी इस डिवाइस को मैंने रिव्यू भी नहीं किया, बिकॉज देखिए रिव्यू के ऊपर ना मेहनत लगती है, आउटडोर्स के अंदर जाना पड़ता है और काफ़ी टाइम जो है ना वो लगाना पड़ता है, और इसी वजह से मैंने देखा है कि इस डिवाइस के ऊपर मेहनत करने का फ़ायदा कोई नहीं है। जब मैंने आपको जस्ट एक वर्ड आप इस डिवाइस के बारे में कहना है कि मिट्टी पाओ, अवॉइड करना चाहिए आपको, Realme 7i एक अच्छी वैल्यू आपको नहीं देगा, हाईली ओवरप्राइस डिवाइस है, नॉट रिकमेंडेड, आपको बच के रहना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं पोको की तरफ से आने वाली एक डिवाइस के बारे में, जो एक एंट्री लेवल की डिवाइस है, और वो डिवाइस है पोको M3। अब पोको M3 जो है ना ये भी रिसेंटली आई है, दो वेरियंट्स है, एक 26,000 रुपये के ऊपर 4/64 है, और ये जो मैंने रखा है यहाँ पे अपर वेरियंट वो 4/128 वाला 28,000 रुपये के ऊपर। मतलब अगर स्ट्रेट आपको कहूँ एक अच्छी वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है, आप इसकी तरफ जा सकते हैं। इसको डिटेल के अंदर मैंने रिव्यू कर रखा अपने चैनल के ऊपर, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। एक बड़ी बैटरी के साथ यहाँ पे आपको 18W चार्जिंग का कंबिनेशन मिलता है, उसके अलावा जो कैमरास हैं अच्छे कैमरास हैं, लाइटिंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो नेचुरल लाइट हो या इंडोर की लाइट हो, लेकिन यहाँ पे लो लाइटिंग मिलती है ना तो कैमरा परफॉर्मेंस ठुस है यहाँ पे। तो ओवरऑल बैटरी परफॉर्मेंस अच्छी है, जो डे टू डे यूज़ के अंदर परफॉर्मेंस है स्नैपड्रैगन 662 के साथ वो अच्छी निकल के आती है। ओवरऑल है ना एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज बन जाता है अगर आपको 26, 26.5 के
अंदर इसका 128 GB वाला वेरियंट मिले। डिटेल में देखना है तो रिव्यू का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, इस डिवाइस को आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, ओप्पो की एक डिवाइस आई थी रिसेंटली कोई 2020 के आखिरी मंथ में ना, कोई 12-13 दिसंबर को, और वो है ओप्पो F17। देखिए ओप्पो अपनी एफ सीरीज के साथ जितनी पॉपुलैरिटी गेन की थी ना, अब आगे से प्राइस स्ट्रेटजी समझ में नहीं आ रही। अब इसकी प्राइस 40,000 पे रखी गई है, ठीक है, अगर आपने प्राइस 40,000 पे रखनी है तो कंपटीशन को देखते हुए फिर फीचर भी उस हिसाब से प्रोवाइड करें। यहाँ पे जो है ना एक वीक चिपसेट दे देगी स्नैपड्रैगन 662, ठीक है, आपने सुपर एमोलेड पैनल दे दिया, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दे दिया, अच्छी चीज़ें हैं, आपने स्लीकेस्ट डिवाइस दे दी, लाइट वेट डिवाइस दे दी, लेकिन परफॉर्मेंस को लेकर क्या, यहाँ पे आपने बैक साइड पर 16 मेगापिक्सल का कैमरा लगाया, यहाँ पे इस टाइम पे जो कंपटीशन चल रहा है वो 64 मेगापिक्सल चल रहा है, सोनी के सेंसर चल रहे हैं, पोको X3 में देख लो आप, दूसरी डिवाइसेस के अंदर देख लें आप। उसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो बैटरी भी कम है, 4015 समथिंग mAh की, दूसरे ब्रांड यहाँ पे क्या आपको बैटरी दे रहे हैं, तो ये चीज़ें जो है ना सारी काफ़ी काउंट करती हैं। जहाँ पे एक हेल्दी कंपटीशन चल रहा है पोको X3 के आने के बाद, रेडमी 9 सीरीज के बाद, रियलमी के 6 सीरीज के बाद, तो ओप्पो एक तो लेट एंट्री कर रहा है पाकिस्तान के मार्केट्स के अंदर, ऊपर से कुछ इस तरह के हालात हैं, तो कैसे जो है ना डिवाइस एक अच्छी रिकमेंडेशन ले पाएगी, आई डोंट थिंक सो कि आपको जो है ना ये एक अच्छी वैल्यू दे सकती है। इस प्राइस रेंज के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 732G जैसी चिपसेट मिल रही है, लेकिन यहाँ पे आपको मिल रहा है स्नैपड्रैगन 662 वाला, मतलब एक वीक परफॉर्मेंस। जब इस रेंज का यूज़र बाय करता है ना फोन को, उसकी बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है परफॉर्मेंस को लेके। तो अगेन इस डिवाइस के बारे में भी जो मेरा ओपिनियन है, एक अच्छी वैल्यू आपको नहीं देगा, इसको आपको स्किप कर देना चाहिए। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी लेटेस्ट डिवाइसेज जो पाकिस्तान की मार्केट्स में कोई 15-20-25 दिन या कोई एक मंथ के अंदर ना पाकिस्तान की मार्केट्स के अंदर लॉन्च हुई, और इनके बारे में मैंने ओवरऑल अपना जो ओपिनियन है, अपना फीडबैक आपके साथ शेयर कर दिया, और ये भी बता दिया आपको कि किन डिवाइसेज को आपको लेना है, किन को नहीं लेना। अगर वीडियो कहीं भी हेल्पफुल रही हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं मोस्ट वेलकम, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो यहीं तक थी, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बबलू लोहड़ी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।